अस्सलाम वालेकुम इवर, आज हम बना रहे हैं मटन कोरमा बड़े के गोश्त का, जिसकी रेसिपी ये है। ये देखिए व्यूअर्स, ये आधा किलो मैंने ली हूँ गोश्त बड़े का, बीफ का गोश्त है ये। इसका हम कोरमा बना रहे हैं। ये पाव किलो है दही, ये है पाव किलो के करीब बिरिस्ता, ये है 3 बड़े चम्मच धनिया, 1 चम्मच है तेज़ वाली लाल मिर्ची, 1 चम्मच है हल्दी और 1 चम्मच है नमक टेस्ट के हिसाब से, और यह है 2 चम्मच अदरक लहसुन, 2 से 4 तेज़पत्ते, 4 बड़ी इलायची, 3 लौंग और यह है कश्मीरी लाल मिर्ची कलर वाली 2 चम्मच, और यह है मगज के बीज है, समझ लीजिए 10 रुपये के है ये, और जौतरी है और एक आधा जायफल का टुकड़ा है, 4 इलायची। ये मसाले को हम बाद में पीस के डालेंगे, ये मैं अलग रखती हूँ, और मैं एक बर्तन में भी सब मसाला मिलाऊँगी इसमें। आप चाहे तो चिकन में बनाएं तो आप पतीली में बना सकते हैं, मैं इसको कुकर में बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको भगोने में मिला के दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये हमने 1/2 किलो दही इसमें डाल दी मैंने, सब मसाले हम इसी में डाल देंगे, धनिया लाल मिर्ची हल्दी नमक अदरक लहसुन तेज़पत्ता इलायची और लौंग कलर वाली लाल मिर्ची है, तेज़पत्ते भी इसी में डाल देंगे, और ये इसको अच्छे से फेंटेंगे। आप चाहे तो इसको चिकन में बना सकते हैं, चिकन में आप डायरेक्ट इसको, अभी मैंने गैस पे नहीं रखी हूँ, ऐसे अच्छे से मिला के ताकि दही फिट जाए, कोई इसमें गांठ वाट लम नहीं रहे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याली तेल, कोरमे में थोड़ा तेल ज़्यादा जाता है, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ, ज़रा इसमें तेल ज़्यादा ही जाता है। इसको अच्छे से मिलाएंगे, अभी हम इसमें हमारा मटन डाल देंगे, मैंने धो के रखी थी अच्छे से। अगर आप चिकन में बना रहे तो आपको ऐसी करना है, मैं इसको अभी कुकर में सीटी लूँगी, 2 से 3 सीटी, ये बड़े का गोश्त है इसके लिए इसको टाइम। ये देखिए बस ये मिला के, अब मैं इसको कुकर में पलटी करूँगी, अगर आप चिकन में बना रहे तो आप यही बर्तन में इसको देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसमें डाल लियो, अब मैं 3 सीटी लूँगी, उसके बाद हम इसमें बिरिस्ता डालेंगे और जो मैंने मसाला निकाली थी मगज जौतरी जायफल उसको हम पीसेंगे। अभी मैं इसको गैस पे रखती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने गैस पे चढ़ा दी हूँ, अब मैं 3 सीटी लूँगी, फिर आगे का बताती हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैंने 3 सीटी ले ली थी, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप चिकन का बनाएंगे तो आप बर्तन में बनाएंगे तो अच्छा है, मैंने कुकर में गलाई हूँ क्योंकि बड़े का गोश्त गलने में टाइम लगता है। अब इसमें जो मैंने बिरिस्ता रखी हूँ 4 बड़ी प्याज का, वो हम हाथों से क्रश करके डाल के, और ये जो मैंने मगज और जौतरी जायफल का वो ली थी ये डाल देंगे, और 1 सीटी और लेंगे हम, फिर हमारा कोरमा बन के एकदम रेडी हो जाएगा। इसको अच्छे से चलाएंगे, सिलो आँच पे 1 सीटी लेंगे, गोश्त एकदम टेंडर हो जाएगा अच्छे से मटन। अभी मैं आगे का आपको बाद में बताती हूँ। व्यूअर्स, ये हमारा कोरमा बन के रेडी हो गया एकदम सिंपल तरीके से, मैंने कुकर में बनाई हूँ, आप लोग अगर चिकन का बना रहे तो आप बर्तन में बनाना। अब बस सिर्फ इसमें गरम मसाला जाएगा पिसा हुआ घर का, देखिए आप देख सकते हैं ना, मैंने कुछ ज़्यादा मसाले डाले, सिर्फ घर के गरम मसाले से ही बनाया, घर के मसालों से ही बनाया, और 2 बूंद इसमें केवड़ा जाएगा, आपको पसंद है तो डालिए नहीं तो स्किप कीजिए। ये हमारा कोरमा बनके मटन कोरमा बनके रेडी हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा मटन कोरमा बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं,
ये कितना अच्छा है, इसका मटन भी आप देखिए कितना अच्छे तरीके से एकदम गल गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम गल गया है। एकदम इजी तरीके से मैंने आपको बनाया बताया है। बनाइए, खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।